अब खबर कोलकाता से, जहां ईडी ने एक अनोखी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पहली बार किसी मामले में 3 चिंपांजी और 4 मरमोसेट यानी छोटे बंदरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अटैच किया है। मरमोसेट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला बंदर है। जब्त किए गए एक चिंपांजी की कीमत करीब 25 लाख रुपए और एक मरमोसेट की कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। सातों जानवरों की कीमत 81 लाख रुपए है। ईडी ने जानवरों की तस्करी से जुड़े एक मामले में यह कार्रवाई की है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने सुप्रदीप गुहा पर कार्रवाई करते हुए लोकल कोर्ट में मामला दाखिल किया था। उस पर आरोप था कि वो प्रतिबंधित जंगली जानवरों की तस्करी कर रहा है।